लोकसभा में पास हुए 3 कृषि विधेयकों का किसान भले बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हों, लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। उन्होंने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को सियासी मजबूरी करार दिया है। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। देश तो 1947 को आजाद हुआ, लेकिन किसान मंडी की जंजीरों में बंधा हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन विधेयकों के माध्यम से उसको आज़ादी मिली है। जिन सदस्यों ने समर्थन किया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है, और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान और नौजवान, इनकी बेहतरी के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। आज से पहले किसान के मामले में निर्णय तो बहुत हुए, लेकिन इस प्रकार का निर्णय हो, इसका इंतजार स्वामीनाथन साहब को भी था, श्वेतकारी संगठन के शरद जोशी साहब को भी था, नेशनल फार्मर कमीशन जो बना था उसने भी अपनी रिकमेंडेशन की थी, और कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार की बातें कहती आई है, लेकिन कांग्रेस को करने की हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी जी ने किसान को आज़ाद करने का ये निर्णय लिया,